हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं रचित और आप देख रहे हैं किफायती खास। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी स्लैरियो। ये दोस्तों स्लैरियो का ZXi+ वाला वेरिएंट है। और दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूँ, इसके जो वेरियंट्स आते हैं, तो ये अपना टॉप वाला वेरियंट है ZXi+। इसके जो प्राइस स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं मुरादाबाद में 6.5 लाख रुपये से ZXi+ वाले वेरिएंट के। अगर हम वैसे बात करें गाड़ी के, तो आपको गाड़ी जो मिलती है, इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 5.25 लाख रुपीज़ है, और इसकी एंडिंग होती है 6.5 लाख रुपीज़ पे। इसमें AMT के और CNG के प्राइस इंक्लूड नहीं है। ये आपको गाड़ी CNG में भी अवेलेबल मिलती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गाड़ी की विड्थ की, तो गाड़ी की विड्थ आपको मिल जाती है 1655, यानी कि 1655 mm की। और आपको जो गाड़ी की लेंथ है, वो मिल जाती है 3695 mm की। पूरी आपको लेंथ मिलती है। और बात करें हम गाड़ी के हाइट की, तो आपको मिलती है 1555 mm की। गाड़ी का जो व्हील बेस है, उसके बारे में बात करेंगे आगे, वो आपको मिलता है 2435 mm का। दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, गाड़ी आपको फ्रंट से देखने में कुछ दिखती है ऐसी। यहाँ मेरे सामने खड़ा है ग्रे रंग का कलर, आप देख पा रहे होंगे फ्रंट में। इसमें यहाँ पे ग्रिल दे रखी है आपकी, इधर आपकी ग्रिल आ जाती है, और नीचे आपको मिल जाते हैं फॉग लैंप इसके अंदर, और ऊपर आपके हैलोजन हेडलैम्प आ जाते हैं इसके अंदर। आपको ऊपर ही साइड में यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। और दोस्तों, ये पूरा मारुति के लोगों के साथ में फ्रंट का लुक आपको लगता है कुछ ऐसा। इसमें दोस्तों, आपको बीच में जहाँ पे स्लैरियो लिखा हुआ है, यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाती है। ग्रिल ओवरऑल अच्छी है, और जो पुराने वाले स्लैरियो थी, उससे अगर हम बात करें गाड़ी के, जो फ्रंट का लुक है, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। अगर हम दोस्तों बात करें साइड प्रोफाइल की, तो आप देख पा रहे होंगे उसमें अलॉय व्हील्स हैं, वो पूरे ब्लैक कलर में आते हैं। ये देखिए, ये पूरे इसके अलॉय व्हील्स हैं, ब्लैक कलर में हैं। ड्रम ब्रेक मिलते हैं पीछे। और अगर हम बात करेंगे टायर साइज़ की, तो आपको टायर साइज़ जो गाड़ी का मिलता है, बता देता हूँ आपको एक मिनट, 175/60 R15 15 इंच के टायर हैं इसके अंदर, आपको मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो भाई ये लगता है कुछ ऐसा देखने में। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है इसके अंदर, और यहाँ हमारे आ गए ORVM, जहाँ पे आपको इंडिकेटर साथ में मिल जाता है इसके। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर, यहाँ पे कोई नहीं मिलता है, सबको इंडिकेटर इस जगह मिल जाता है ORVM के ऊपर। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक करने के लिए, कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो हमारा रिमोट कंट्रोल है, उसकी कभी भी बैटरी लो हो जाती है, तो हम उसमें से की निकाल के इसको खोल सकते हैं। दिखा देता हूँ आपको एक मिनट, ये कुछ ऐसी दिखती है हमारी की, ये रही हमारी की, ये देखिए दोनों की आपको स्मार्ट मिलती हैं इसके अंदर, ये रही, जहाँ पे आपको लॉक अनलॉक करने के लिए स्विचेस मिल जाते। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें बैग की, तो आपको बैग मिलता है कुछ ऐसा। ये रहा हमारा बैग गाड़ी का, इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें नीचे की, तो पीछे चलते हैं हम लेके, आपको यहाँ मिल जाता है रिफ्लेक्टर पीछे, यहाँ मिल जाएगा रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह, और यहाँ पे आपको पीछे बटन मिल जाता है डिग्गी खोलने के लिए। ये यहाँ पे नो मिलता है बूट ओपनिंग के लिए। और ये हम बात करें, आपको मिल जाता है पीछे वाइपर, डिफॉगर और हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प, और रियर शीशे को साफ करने के लिए वॉशर। और ये हमारे कुछ आपको दिखने में लगते हैं ऐसे टेल लैम्प्स। यहाँ आपको हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है पूरा टेल भी, पीछे भी। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, और इधर आपको मिल जाता है पार्किंग के लिए लैंप गिरा। तो फ्रेंड्स, आपको लगता है कुछ ऐसा। और पीछे अगर हम बात करें, इसमें आपको कोई एंटीना, आपको ये मिल जाता है, ये रहा एंटीना, आपको ये मिल जाता है FM के लिए। हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर हमने बात करी डोर ट्रिम की, तो आप देखें, ये है पूरा ब्लैक कलर का इंटीरियर है गाड़ी का। ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है, ये पूरा यहाँ पे कोई भी आपको सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ी प्लास्टिक की इन्होंने हल्की हल्की जो डिज़ाइनिंग है वो कर रखी है, जहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग आपको हल्की सी अलग मिलती है। कैमरे में नहीं चमक पा रहा होगा, लेकिन आपको हल्की हल्की डिज़ाइनिंग अलग मिलती है। यहाँ पे कोई भी आपको पावर विंडो के स्विचेस नहीं मिलते हैं, काफ़ी सिंपल और सोबर इन्होंने डोर का ट्रिम दे रखा है। तो ये अपने जो मिलता है, ये आपको मिलता है सिल्वर कलर का। यहाँ पर बोतल रखने की बोतल होल्डर मिल जाता है यहाँ पर, यहाँ पर स्पीकर की जगह, और कुछ ऐसा है। ये अगर हम बात करें फ्रेंड्स सीट्स की, तो आप देख पा रहे होंगे वो सीट्स, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट भी इसके अंदर मिल जाती है, जिससे अपनी हाइट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बैठते हैं गाड़ी के अंदर। ये हम बैठ गए गाड़ी के अंदर, थोड़ा पीछे कर लेता हूँ सीट्स, क्योंकि विजिबिलिटी गाड़ी के पूरे इंटीरियर साफ दिखना चाहिए। कल हमने डोर को बंद,
तो फ्रेंड्स ऐसा दिखता है सेलेरियो ZXi प्लस वाले वेरिएंट का इंटीरियर। थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं हल्का सा ना, आपको इग्निशन देखने में अच्छा लगेगा। ये रहा कुछ आपको दिखने में लगता है फ्रेंड्स ऐसा इंटीरियर गाड़ी का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जगह जगह आप देख पा रहे होंगे उन्होंने सिल्वर कलर की फिनिश दे रखी है। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे भी आपको सिल्वर कलर की फिनिश मिल जाती है। ये जो AC वेंट्स यहाँ मिल जाती है आपको, और आपको स्टेरिंग पे भी यहाँ पे सिल्वर कलर की फिनिश मिल जाती है। पूरा राउंड शेप में आपको स्टेरिंग मिल जाता है, और यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो आपके म्यूजिक सिस्टम रिलेटेड हैं। और यहाँ पे आपको कॉल कट करने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए, और वॉइस कमांड, यहाँ पे आपको इसके अंदर तीनों सब चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे अगर बात करें आपको यहाँ पे एयरबैग मिल जाता है ड्राइवर साइड के लिए, और यहाँ आपको मिलता है को ड्राइवर साइड के लिए एयरबैग। अगर हम दोस्तों बात करें साइड की तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन स्टार्ट या स्टॉप का बटन, और आपको जो ORVM है आपके जो शीशे हैं वो भी एडजस्ट करने के लिए आपको बटन यहीं पर मिलता है। यहाँ से फोल्ड भी आते हैं और ओपन भी आते हैं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, और यहीं से आपके एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपको मिल जाते हैं लाइट के स्विचेस, और यहाँ मिलते हैं आपको वाइपर के स्विचेस। और अब देखें स्टीयरिंग आपका टिल्ट है, और टेलीस्कोपिक तो नहीं है, खाली टिल्ट है फ्रेंड्स। तो इसको कर देते हैं हम एक मिनट बंद, ये बंद हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी सिल्वर कलर की लाइनिंग यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक आपकी जाती है, जिसमें आपको नीचे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर ऑटो AC नहीं मिलता है, इसमें मैनुअल AC मिलता है। तो यहाँ पे मेरा मानना यह है फ्रेंड, यहाँ पे इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक AC देना चाहिए था जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आ रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें गाड़ी में फ्यूल कम है उसकी वार्निंग दे रहा है ये, और ये अपना कुछ ऐसा लगता है म्यूजिक सिस्टम जो आपको, इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे जो फ्रेंड्स पावर विंडोज़ हैं उसको आपको यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं मिलता है, जो पावर विंडोज़ के बटन है उसने यहाँ पे दे रखे हैं, जो एक हल्का सा यूनिक चीज़ करी है मारुति ने। अगर हम बात करें तो ऊपर करने के तो वन टच डाउन तो है लेकिन अब नहीं है, वन टच में ये डाउन तो है। देखिए एक बार मैंने दबाया और ये डाउन हो गया, तो वन टच डाउन तो है लेकिन वन टच अब नहीं है ये। और अगर हम बात करें इसके ग्लव बॉक्स की तो आपको मिलता है कुछ ऐसा ग्लव बॉक्स, यहाँ पे कोई लैंप वगैरह नहीं मिलता है आपको, सिंपल है ठीक ठाक ग्लव बॉक्स मिलता है आपको इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और अगर हम बात करें नीचे को क्या क्या मिल जाता है, यहाँ 12 बोल्ट का सॉकेट मिल जाता है आपको USB और ऑक्स के लिए। यहाँ पे स्विचेज दे रखे हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे रखा है, यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं आपको। और ये है हमारा गियर नॉब, इसमें आपको 5 गियर मिल जाते हैं आगे और एक मिलता है आपको रिवर्स के लिए। और ये हमारा है हैंड ब्रेक, और यहाँ पे रिवर्स की जो पावर विंडोज़ हैं उसके लिए आपको स्विचेज यहाँ मिल जाते हैं इस जगह पे। ये रिवर्स की विंडोज़ के लिए हैं, जहाँ पे आप आराम से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी पावर विंडोज़ को। तो फ्रेंड्स ये था कुछ सिस्टम आएगा, और अब हमारा स्पीडोमीटर रह गया है। तो फ्रेंड्स ये है कुछ आपको दिखने में ऐसा इसका स्पीडोमीटर, इसमें आपको लगभग 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको यहाँ मिल जाता है आपको RPM मीटर, जिसमें आपको सब चीज़ इसमें इन्फॉर्मेशन देता है कि गाड़ी कितनी चल गई हमारी, ट्रिप A, ट्रिप B, फ्यूल इंडिकेशन करता है, गाड़ी के RPM शो करता है आपको, एवरेज भी आपको शो करता है, रेंज शो करता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है। कुछ चीज़ यहाँ पर आपको शो कर देते हैं ऐसा कि नरेशन की भैया गाड़ी का बैटरी क्या है, इंजन ऑयल है नहीं है गाड़ी के अंदर, सील बैंड नहीं लगा रखी आपने, कुछ ही अलार्म सबको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं गाड़ी के पीछे और एक बार देखते हैं गाड़ी में स्पेस कितना है। मैं इस गाड़ी को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट, मेरी हाइट के हिसाब से गाड़ी एडजस्ट हो चुकी है। हम खोल देते हैं इसका बोनेट भी आगे का और चलते हैं गाड़ी के पीछे एक बार। तो फ्रेंड्स ये है रियर का डोर ट्रिम, ओवरऑल सेम है, कोई कंट्रोल यहाँ पे दे ही रखे हैं भाई। ये है आपके रियर सीट, अब बैठता हूँ इस गाड़ी के अंदर। तो फ्रेंड्स ये है कुछ स्पेस, मेरी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच की मेरी हाइट है, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, मैं पूरा पैर फैला के ऐसा करके बैठ सकता हूँ। स्पेस की तो कोई कमी नहीं है स्लेजों के अंदर। अगर हम बात करें थाई सपोर्ट की तो हाँ मेरे को थोड़ी कमी लगी थाई सपोर्ट की, थोड़ी थाई सपोर्ट और अच्छी हो सकती थी। ये जो बीच का आपको लंब मिलता है तो ऊँचा नहीं है, और अगर हम बात करें इसमें आपके कोई भी आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता है। 60-40 आपको सीट स्पीड जरूर मिल जाती है, और ये भी आपका जो हेड रेस्ट है ये भी एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स है। और ये भी आपका जो हेड रेस्ट है फ्रंट वाला भी आपको फिक्स मिलता है, एडजस्टेबल नहीं मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको आगे मिल जाता है, इधर दिखाना भूल गया था आपको मैं, ये IRVM, ये आपको फ्रंट वाला IRVM मिल जाता है यहाँ पे, ये रहा।
और यहाँ पर मिल जाती है लाइट, और ये अपना वैनिटी मिरर को ड्राइवर साइड में और ड्राइवर साइड में नहीं मिलता। ठीक है, अब चलते हैं वह डिग्गी की तरफ और दिखाते हैं वो गाड़ी की डिग्गी। तो फ्रेंड्स ये है आपका बूट स्पेस, ये देखिए ये काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है, 313 लीटर का बूट स्पेस मिलता है इसके अंदर आपको पूरा। फ्रेंड्स 313 लीटर का बूट स्पेस है, मतलब बहुत अच्छा बूट स्पेस है। और आपको मिल जाती है पार्शल ट्रे, यहाँ पे कुछ टूल किट वगैरह मिल जाती है आपको, और यहाँ पे हमें कोई लैंप देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें टायर साइज़ की तो हमें टायर साइज मिलता है इसका 165/70 R14, स्टील रिम है, R14 का है, एक नंबर कम है क्योंकि हमें वहाँ मिलता है 15 का, यहाँ पर आपको एक नंबर कम मिलता है। तो फ्रेंड अब चलते हैं गाड़ी के एक बार इंजन की तरफ और देखते हैं गाड़ी का इंजन आपको क्या क्या मिलता है। लेकिन फ्रेंड इस प्राइस रेंज में की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है मारुति ने, मैं आशा करता हूँ पहले से अच्छी करी होगी। और हम खोलते हैं इसका बूट, तो नहीं खो देख लिया हमने, हम देखते हैं इसका, एक मिनट ही रहा। ये है फ्रेंड्स इसका इंजन जो आपको 1 लीटर में मिल जाता है, जिसकी आपको पावर मिलती है 66 BHP की आपको पावर मिल जाती है इसके अंदर, 89 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसमें, आपको एवरेज मिलता है 24.9 का। ये नया वाला इंजन है जो मारुति ने अभी नया नया लॉन्च करा है K10C के नाम से, तो वही अब मारुति अपनी सारी गाड़ियों में लॉन्च कर रही है। जो मारुति ने पहले सेलेरियो वाली लॉन्च करी थी वो उसी की गाड़ी उन्होंने लॉन्च करी थी, उसमें नया वाला इंजन था K10C के नाम से। अब तो फिर उन्होंने वैगनार में भी कर दिया है, K10 में भी कर दिया है, उन्होंने सारी गाड़ियों में अपना वही वाला इंजन अब मारुति लेके आ रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें, आपको हर यहाँ पर बताना भूल गया, बंद कर देता हूँ उसको थोड़ा। एक मिनट का देखें, तो फ्रेंड्स ये है अपना फ्यूल टैंक, जब को मिलता है 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है इसके अंदर, आपको बताना भूल गया था। और अब आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो गाड़ी के अंदर मिलता है आपको मिलता है 170 mm का। तो फ्रेंड्स ये था मेरा कुछ रिव्यू गाड़ी के बारे में, तो मुझे बताइएगा आप, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।